मेरा ताल्लुक कराची से है और मैंने बैचलर्स करियर सिविल इंजीनियरिंग में सर सैयद यूनिवर्सिटी कराची से। हमारे सोल्यूशन, हमने जो अपना आइडिया पेश करा है उस पर हमने तीन प्रॉब्लम्स को टारगेट किया है। नंबर वन हमारे पास है नॉन रिड्यूसेबल प्लास्टिक वेस्ट, सेकेंड है हमारे पास यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्रीट, और थर्ड है हमारी रिड्यूस द एमिशन ऑफ CO2। ये तीन प्रॉब्लम्स हम अपने आइडिया से मिनटों से वो कर रहे हैं। हमारा जो सोल्यूशन है उसका नाम है बबल टैक्स स्लैब। इसमें हमने करा ये है कि हमने एक नॉर्मल स्लैब जो हमारे पास होती है कॉन्क्रीट की, उसमें जो सेंटर का पार्ट है उसको रिमूव करके उसको रिप्लेस करा है प्लास्टिक की प्लास्टिक वेस्ट से बनी हुई बॉल से, जिससे उसका वेट भी कम हो रहा है, हमारा कॉन्क्रीट की यूज भी कम हो रही है, हमारा प्लास्टिक वेस्ट भी यूटिलाइज हो रहा है, और कॉन्क्रीट कम यूज होने की वजह से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में भी कमी आ रही है। सर इसका स्टेटस ये है कि हमने इसकी टेस्टिंग करी है नॉर्मल कंपैरिजन में भी, एक मिनट से एक नॉर्मल था और इसका क्या बिहेवियर होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने इसको फायर पे करा है कि अगर खुदा ना करे हमारे घर में, हमारी फैक्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में आग लग जाती है, इसका रिस्पॉन्स क्या होगा। और ये दो करा है। उसके अलावा थर्ड चीज हमने कॉस्ट निकाली है एक पूरे मिनट से एक स्ट्रक्चर की, 44 स्टोरी स्ट्रक्चर है हमारा इमार का, उसकी हमने एक कैलकुलेशन करके उसकी कॉस्ट भी निकाली कंपेरिजन। सर हमारा नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह इसको इंडस्ट्रियलाइज करना है, इसको कमर्शलाइज करना है। हमारे पाकिस्तान में स्पेसिफिकली ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, कुछ हद तक कुछ बिल्डिंग्स कुछ मिनट से कंपनीज जो है वो कर रही है, लेकिन मोस्टली जो है हमारे पास ग्रीन बिल्डिंग का काम नहीं हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इसको इंडस्ट्रियलाइज करें और पाकिस्तान में मिनट से ग्रीन बिल्डिंग का रुझान लाए। लेट्स से हमारा NIP के सेशन से फाइनलाइज होकर हम लोग इसको इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, इसको हम कॉन्ट्रैक्टर्स को कंपनीज को पेश करेंगे। ऑन स्मॉल स्केल हम कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेंगे हाउसेस वगैरह के, 120 गज 210 के घरों की मिनट से कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेंगे, उनको बबल टैक पे कंस्ट्रक्ट भी करेंगे। उसके साथ साथ हम बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह को अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे सर।